आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमहा फेजर 125 के बारे में। जी हाँ भाई, आपने सही सुना, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमहा फेजर 125 के बारे में। तो भाई, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको यमहा फेजर 125 जो है कब तक इंडिया में देखने को मिल जाएगी, इसका जो प्राइस है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, और आपको फेजर 125 में जो है कौन कौन से स्पेक्स देखने को मिल जाएंगे, और आपको ये जो गाड़ी है क्यों इंडिया में देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यमहा फेजर 125 की पूरी जानकारी के लिए भाई मैंने नीचे लिंक दे रखा है वेबसाइट का, वहां जाकर आप यमहा फेजर 125 की पूरी जानकारी फुल डिटेल में पा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यमहा फेजर 125 का जो लुक है वो कैसा देखने को मिलेगा। तो भाई, आपको इंडिया में पहले जो फेजर 150 देखने को मिलती थी, ठीक उसी लुक के साथ आपको इंडिया में यमहा फेजर 125 भी देखने को मिल जाएगी। इसका जो लुक है वो आपको फेजर 25 के जैसा नहीं मिलेगा, आपको इसका जो लुक है वो फेजर 150 के जैसा देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख जा रहा है। ठीक ऐसा ही जो लुक है आपको फेजर 125 में देखने को मिलेगा, लेकिन भाई जो ग्राफिक है, जो कलर्स हैं, इन सब में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको जो डिज़ाइन है वो आपको ऐसा ही देखने को मिल जाएगा जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख जा रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यमहा फेजर 125 में जो है कौन कौन से फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो भाई, आपको यमहा फेजर में जो है आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा, और भाई इसमें आपको ABS नहीं मिलेगा, इसमें आपको सिर्फ CBS ही देखने को मिलेगा। इसमें आपको कोई भी चांस नहीं है कि इसमें आपको ABS देखने को मिले, वरना भाई जो प्राइस है बाइक का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिससे कि इसकी जो सेल है उस पर असर पड़ जाएगा। तो इसीलिए इसमें कंपनी आपको जो है ABS नहीं देने वाली है, इसमें आपको सिर्फ CBS ही देखने को मिलेगा। और भाई, आपको इसका जो हेडलाइट है वो आपको हैलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको पहले देखने को मिलते थे, और इसका जो हेडलाइट है वो आपको ट्विन हेडलाइट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको R15 में देखने को मिल जाता है, या फिर आपको जैसे फेजर में पहले मिलता था, ठीक वही हेडलाइट आपको फेजर 125 में देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको हेलोजन के इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। और भाई, इसका जो मीटर कंसोल है वो आपको फुली डिजिटल देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको सारे बेसिक फीचर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसका जो मीटर कंसोल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, जो कि आपको पहले भी यमहा फेजर 15 में मिलता था, यानी कि 150 में मिलता था। और आपको यमहा फेजर 125 के फ्रंट में 100mm के टायर देखने को मिल जाएंगे, और रियर में आपको जो है 140mm के टायर मिल जाएंगे। दोनों टायर आपको टनाटन ट्यूबलेस मिल जाएंगे 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। और भाई, इसकी जो सीट है वो आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपको बजाज पल्सर 125 में आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है, ठीक वैसे ही आपको यमहा फेजर 125 में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाएगी। लेकिन भाई, जो इसका हैंडल बार है वो आपको क्लिप ऑन देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको सिंगल पीस हैंडल बार देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको नॉर्मल सी बाइकों में देखने को मिल जाता है। यमहा फेजर 125 में आपको 124.4 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि BS6 कंप्लायंट रहेगा, और 22 में आपको F5 भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अब आपको हर एक BS6 गाड़ी में देखने को मिल जा रहा है, तो इसमें भी आपको F5 देखने को मिलेगा ही। और 22 की जो पावर फिगर है वो आपको लगभग 11 BHP के आसपास आपको इसका मैक्सिमम पावर देखने को मिल जाएगा, और लगभग आपको फेजर में आपको 12 Nm के आसपास टॉर्क देखने को मिल जाएगा। और 22 में आपको जो है 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा, जो कि आपको ठीक ठाक माइलेज और टॉप स्पीड अचीव करा देगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यमहा फेजर 125 जो है ये क्यों इंडिया में देखने को मिलेगी। तो भाई, अभी आपको इंडिया में यमहा R15 वर्जन 3 देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छे लुक के साथ इंडिया में सेल होती है, और भाई वहीं विदेशों में जो है यमहा R125 भी सेल होती है, जो कि इंडिया में काफ़ी टाइम से कमिंग सून में है। लेकिन भाई, अगर इंडिया में यमहा R125 लॉन्च हो गई तो यमहा R15 का जो सेल है वो बिल्कुल ही गिर जाएगा, क्योंकि इन दोनों के जो लुक हैं वो सेम है, सिर्फ जो इंजन है उसमें आपको डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन जब यमहा R125 इंडिया में लॉन्च होगी तो उसका प्राइस काफ़ी कम रहेगा, और तब वो गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगी। तो भाई, इसी को देखते हुए यमहा जो है वो इंडिया में यमहा R125 को कभी भी इंडिया में लॉन्च नहीं करेगा। अगर यमहा R125 इंडिया में लॉन्च हो गई तो भाई यमहा R15 का क्या होगा, ये बात तो सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि भाई उसकी जो मार्केट है वो बिल्कुल ही गिर जाएगी।
और भाई वैसे ही आपको यमहा MT125 जो है ये भी आपको शायद इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी। अगर इंडिया में यमहा MT125 लॉन्च हो गई तो MT15 का भी मार्केट गिर जाएगा। तो भाई आपको MT125 और यमहा R125 इंडिया में नहीं मिलने वाली है। अगर ये दोनों गाड़ियाँ इंडिया में लॉन्च हो गई तो MT15 और यमहा R5 इन दोनों का जो सेल है, जो मार्केट है, वो बिल्कुल ही गिर जाएगा, जिससे कि कंपनी लॉस में जा सकती है। तो भाई इसीलिए आपको इंडिया में यमहा FZ का जो है वर्जन 2 देखने को मिलेगा, जो कि आपको 125 सीसी के साथ इंडिया में देखने को मिल जाएगी। और आपको यमहा फेजर भी मिल जाएगी जो कि आपको 125 सीसी के साथ इंडिया में मिलने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको फेजर 125 का जो प्राइस है वो इंडिया में क्या देखने को मिलेगा। तो भाई लगभग आपको ये गाड़ी इंडिया में 90,000 रुपए के आसपास एक शोरूम देखने को मिल जाएगी, जो कि भाई काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। इसमें आपको फेयरिंग भी देखने को मिल जाएगी, जो कि हाफ फेयरिंग भी आप कह सकते हैं। और भाई ये तो आपको लॉन्च होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि प्राइस क्या कंपनी रखने वाली है। तो बात कर लेते हैं लॉन्च डेट के बारे में। तो भाई आपको यमहा फेजर जो है ये आपको लगभग अगले साल तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाई यमहा FZ125 जो है इसे कई बार स्पॉटेड किया गया है, लेकिन अभी तक जो है इन सब के बारे में कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि यमहा FZ वर्जन 2 125 कब इंडिया में लॉन्च होगी और फेजर कब इंडिया में लॉन्च होगी 125 सीसी के साथ। तो भाई ऐसा जो है यमहा की ओर से कोई भी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसे जो है टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। तो भाई इस हिसाब से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि लगभग आपको FZ जो है आपको 125 सीसी के साथ देखने को मिलेगी और लगभग आपको फेजर भी जो है 125 सीसी के साथ इंडिया में देखने को मिल जाएगी। तो भाई अगर फेजर जो है इंडिया में 125 सीसी के साथ इंडिया में लॉन्च हो गई तो इसका जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई इस गाड़ी का जो लुक है वो आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा, जो कि अभी आपको दिख जा रहा है कि भाई आपको इसमें काफ़ी अच्छे फीचर, काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिल जा रहा है। भाई पहले भी ये गाड़ी इंडिया में सेल होती थी, लेकिन यमहा ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया है। शायद इसकी जो सेल थी वो बिल्कुल ही गिर गई, तभी यमहा ने यमहा फेजर को जो है इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन अभी भी ये गाड़ी जो है श्रीलंका, नेपाल में, अर्जेंटीना में सेल की जाती है, जो कि भाई इंडिया में चांसेस हैं कि आपको 125 सीसी के साथ इंडिया में फेजर मिल जाए। तो भाई तब तक हम इस गाड़ी का वेट कर लेते हैं, शायद ये गाड़ी आपको 2021 में देखने को मिल जाए। तो जो लोग फेजर को परचेस करना चाहते हैं 125 सीसी के साथ, वो इस गाड़ी का इंतज़ार कर सकते हैं। तो भाई मैं तो इस गाड़ी का वेट कर रहा हूँ कि ये गाड़ी कब इंडिया में लॉन्च होगी। सिर्फ देखने के लिए मुझे ख़रीदना नहीं है, सिर्फ देखना है कि इंडिया में कब वो टाइम आएगा जब सभी कंपनियां अपनी गाड़ियों को जो है 125 सीसी के साथ इंडिया में लॉन्च करेंगी। यमहा फेजर 125 की पूरी जानकारी के लिए भाई मैंने नीचे लिंक दे रखा है वेबसाइट का, वहां जाकर आप यमहा फेजर 125 की पूरी जानकारी फुल डिटेल में पा सकते हैं। तो भाई उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।